Welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू माई व्लॉग। तो पहले तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट कि जो है हमारे माशाल्लाह से 50 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तभी पॉसिबल था जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ यू। एंड अभी 50 सब्सक्राइबर्स तो बहुत कम है, लेकिन ऐसे ही आपका जो है सपोर्ट रहा, प्यार अगर आप ऐसे ही हमें देते रहे तो इंशाल्लाह साथ मिलके हम लोग जो है इस चैनल को खूब आगे तक ले जाएंगे और इन्हीं 50 सब्सक्राइबर्स को साथ मिलके 5 मिलियंस या इंशाल्लाह 50 मिलियंस जो है हम लोग करेंगे। एंड बस इतना ही कहना था और सही कहा ना फ्रेंड्स, तो इंशाल्लाह साथ मिलके करेंगे और आप लोग इंशाल्लाह कहना नहीं भूलिएगा। तो बस इतना ही कहना था। एंड बस आप सब लोगों ने जो है टाइटल के नेम से फिर से आइडिया लगा लिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड उसमें हमने शॉर्ट्स में भी डाला था कि बीच व्लॉग कमिंग सून। तो जी हाँ, आज भी हम लोग बाहर निकले हुए हैं और आज जा रहे थे हम लोग बीच। और हमेशा की तरह एज यूजुअल हमने सोचा क्यों ना आप सब लोगों को भी जो है अपने साथ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ सऊदी अरेबिया के जो बीच हैं वो कैसे हैं। तो आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस हम लोग वहीं वीकेंड वाले दिन जो है निकले थे एंड हमने सोचा जो है थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो बस हम लोग यहीं बीच आए हुए थे एंड आप सब लोगों को तो पता ही है कि हम लोग रहते हैं अलकुबर में और यहाँ पे एक सिटी है सऊदी अरेबिया की जुबैल। और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर वहाँ जाके वीकेंड वाले दिन उस सिटी का भी जो है वीडियो शूट करेंगे और आपको एक्सप्लोर कराएंगे, उस सिटी का टूर कराएंगे कि वो सिटी कैसी है, वो भी बहुत अच्छी है। तो बेसिकली ये जो जुबैल सिटी है उससे थोड़ा सा पहले ये बीच पड़ता है और ये जो बीच का नाम है ये है रस्ता नूरा बीच। और ये बहुत फेमस बीच है रस्ता नूरा और बहुत ही अच्छा बीच है। एंड यहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। लाइक अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि यहाँ भी स्लाइड्स जो हैं और अगर स्लाइड्स नहीं है, अगर किसी को करनी है किसी बच्चे को लाइक, तो वो अपना जैसे ना प्ले आइटम्स ला सकता है, लाइक कार है, बाइक है, साइकिल है, कुछ जो है बच्चे ले आए, थोड़ा सा राइड कर लिया उन्होंने, साइकिल राइड हो गई, बाइक राइड हो गई, कार राइड हो गई। अगर वो नहीं, अपना नॉर्मल कुछ प्ले आइटम्स ला सकते हैं, लाइक बॉल है, बैट बॉल नॉर्मल जैसे होता है वो कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने आराम से, सुकून से, इत्मीनान से लोग यहाँ बैठते हैं और लोग ट्यूब लाते हैं, लोग स्विमिंग करते हैं। एंड बारबेक्यू तो आपको पता ही है कि आजकल कितना ट्रेंड में चला है बीच साइड पे। और अभी तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और आप करने वाले लोग कर ही रहे हैं बारबेक्यू, ऐसा नहीं है रात में इसी गर्मी में। लेकिन अगर आप यही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर आप करें, वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, तो बारबेक्यू बहुत मतलब ज़बरदस्त एक एक्टिविटी भी हो जाती है और दो तीन फैमिली साथ में मिलके जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक जो है ना एक अच्छा टाइम जो है गुजर जाता है साथ में। और आप देख सकते हैं ये वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है ये बीच का जो वीडियो है। तो सोचिए हमें सामने से कितना अच्छा लगता होगा और जब ये पानी की आवाज़ जो है जब कानों में जाती है, आय हाय इतना सुकून मिलता है ना फ्रेंड्स, आपको हम बता नहीं सकते हैं। और काफ़ी पीसफुल एरिया है, काफ़ी सुकून मिलता है। आप देर तक बैठे रहिए, आप घंटों बैठे रहिए, आपको बहुत सुकून मिलता है। इतना सुकून की ये जगह ना, इतना पीसफुल एरिया है ना कि हम आपको बता नहीं सकते। तो बस ये शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट 6:30 या 7 o'clock हो गया था और ये शाम का व्यू है एंड बहुत अच्छा लग रहा था। तो आइए आप लोग भी आइए यहाँ पे सऊदी अरेबिया और यहाँ के बीच वगैरह एक्सप्लोर कीजिए। जद्दा में, अलकुबर में बहुत अच्छे अच्छे बीच हैं, तो कभी प्लान बनाइए और एक्सप्लोर करिए आके हमारा सऊदी अरेबिया भी। तो बस फ्रेंड्स, हम लोग जो है निकल गए थे और हमने सोचा कि अब लेट तो हो ही गया, पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगा, तो डिनर भी हम लोग जो है बाहर ही कर लेते हैं। और बस हम लोग वहीं निकल गए थे, रात आई थिंक 8 बज गए थे, ऐसी कुछ हो गया था टाइम। तो घर पहुँचते और टाइम हो जाता। फिर साइड में हमको ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इन्होंने रोड पर कुछ ऐसा डिज़ाइन करके रखा था, तो हमने कार रुकवाई और हमने सोचा ये तो शूट करना बनता है आप लोगों के लिए। तो इन्होंने रोड
पे ऐसे ही सब जगह इसी तरीके से इन्होंने डिज़ाइन की हुई, ये जो है ऐसा लाइट वाला इन्होंने कुछ करके ऐसा रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। फिर ये देखिए, ये हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट है इसकी भी एक अलग स्पेशलिटी है। इन्होंने हर चीज़ जो है ना पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग इन्होंने हर चीज़ डेकोरेट कर रखी है, लाइक जितनी भी एंटीक चीज़ें हैं उन्होंने उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है डेकोरेट कर रखी है। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कबाब्स जो है बेसिकली फेमस है, लाइक आपके जो सीख कबाब होते हैं। और हाँ, ये देखिए, ये इन्होंने वेल है, एक वेल टाइप का इन्होंने पुराने ज़माने के एंटीक टाइप में इसको इन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन करके रखा है, तो बड़े ही प्यारा खूबसूरत लग रहा था। और हर तरफ जो इनका डेकोर था, जो डेकोरेशन था, वो ही बहुत अच्छा था। लाइक जो पुराने ज़माने के जो फ्रेंच लैम्प वगैरह जो होते नहीं है, अब कहाँ दिखते हैं ये सब लैम्प वगैरह, पहले ही दिखते थे कहीं पे, अब तो ये सारी चीज़ें एंटीक में आती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने जो ये डेकोर किया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो हमारे आ गए थे कबाब्स, और ये हमारे सीख कबाब हैं, बड़े ही डिलीशियस कबाब थे, बहुत अच्छे कबाब थे। एंड फिर उसके बाद हम लोग जो है निकल गए थे, एंड इतना ही हम फ्रेंड्स रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, बहुत थकान हो गई थी क्योंकि काफ़ी पहले निकले थे। और अगर आपको फिर से मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ सऊदी _ डायरीज़। और ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, एंजॉय लाइफ, अल्लाह हाफिज़।